सलाखों के पीछे वायरस, जेल में फूटा कोरोना बम। जी हाँ मित्रों, आज मैं आपको जोधपुर जेल की एक दर्दनाक और दुर्दशा के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ कि किस तरह से हमारे जेलों में आजकल कोरोना के कारण एक कोरोना बम की तरह फूट गया है। और अभी पता चल रहा है कि जोधपुर जेल के अंतर्गत 5 जिलों में 18 कारागार आते हैं, उनमें 400-500 कैदी करीब कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। वहीं अभी बीते रविवार को एक कैदी कैलाश मांजू जब महात्मा गांधी हॉस्पिटल में जा रहे थे तो उनसे पत्रकारों ने पूछा क्या स्थिति है, तो उन्होंने बताया कि 400-500 कैदी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। जेल इस प्रशासन इस बात को छुपा रहा है और उन्होंने केवल बताया कि केवल 49 बंदी आइसोलेट किए गए हैं और 3 का इलाज चल रहा है। जी हाँ मित्रों, आपको बता दें कि अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रमन्ना जी ने ये आदेश दिया है कि जेल में जो भी कैदी हैं उनको पैरोल पे छोड़ा जाए और 90 दिन की जमानत दी जाए। भारत में जिस तरह से जेलों में 4.5 लाख से ऊपर कैदी रहते हैं आजकल कोरोना वायरस के विस्फोट के कारण, क्योंकि जेलों में जगह भी कम होती है, स्पेस कम होता है और ये वायरस का प्रकोप फैलता जा रहा है। मैं भारत सरकार के कानून मंत्री से आग्रह करता हूं कि संत आसाराम बापू जी को इस परिस्थिति को देखते हुए जल्द से जल्द रिहा किया जाए और बापू जी के साधकों की जो पुकार है, कई दिनों से ट्विटर पर ट्रेंड चलाया जा रहा है कि जस्टिस फॉर बापू जी, उसको भी सुना जाए। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, वी वांट जस्टिस फॉर बापू जी। हरिओम, नारायण 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 नारायण।